नमस्कार दोस्तों, ये है डिज़ायर, मारुति की डिज़ायर ZXi मॉडल। इसमें जो है आपको फोग लैंप मिल जाते हैं, आगे ऐसी हेलोजन वाली लाइट मिल जाती है, इस तरह का बम्पर मिल जाता है क्रोम के साथ। इसमें आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं और 15 इंची के टायर मिलते हैं। इसमें 185/65 सेक्शन के पैसिव एंट्री मिल जाती है और कुछ एक्सेसरीज भी इसमें लगे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे पीछे से इसमें LED मिलती है और पीछे से यहाँ जो है ये जो एक्सेसरी का पार्ट है, ये कैमरा और ये इसका सिलेंडर है और कुछ इतना इसमें बूट बच जाता है। तो बूट स्पेस के हिसाब से 2-3 बैग आपके आ जाएंगे। ये बंद हो गई, पीछे क्रोम भी मिलता है आपको, स्टॉप लाइट मिलता है, माइक्रो एंटीना मिलता है, डिफोगर मिलते हैं, वाइपर इसमें नहीं आता है। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं इसमें क्या मिलता है। तो पहले तो इसमें आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके की मिलती है, अनलॉक और बूट भी यहीं से की से खोल देते हैं। पैसिव एंट्री है तो की को यूज़ करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है आपको, तो ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। क्रूज़ कंट्रोल इसमें नहीं आता है। स्टीयरिंग में आपको ऐसा फिनिश मिल जाता है, वुडन फिनिश। यहाँ स्टीरियो के कंट्रोल मिल जाते हैं और इसको बंद कर देते हैं साउंड को, ठीक है। और ऐसा आपको स्पीडोमीटर और ये मीटर मिल जाता है, RPM मीटर, बीच में डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, ट्रिप मीटर ये भी इधर मिल जाते हैं, ये वाइपर के कंट्रोल, यहाँ वॉशर और लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये है ऑडियो कंट्रोल यहाँ मिल जाते हैं, ऑटो डिम आईवर भी मिलता है, यहाँ लाइट मिल जाती है। इधर देखोगे तो आप टिकट होल्डर है और इधर देखोगे तो आपको मिरर मिल जाता है, पीछे भी यहाँ लाइट आती है और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल्स आते हैं। चारों पावर विंडोज़ इसमें मिल जाते हैं। ऑटो ड्राइवर अप एंड डाउन का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है और क्रोम की यहाँ कार्निश मिल जाती है और इसमें यहीं से आप ORVMs को लॉक अनलॉक कर सकते हैं इस तरीके से, और एडजस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए, जैसे मैं मुझे राइट वाला करना है तो मैं इसको इधर एडजस्ट करूँगा, ये हो जाता है। इनको फ़िलहाल फोल्ड कर देते हैं। इधर राइट लेवरर मिल जाता है, CNG है तो ये CNG को बदलने का, पेट्रोल पर लाने का वो ऑप्शन मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो इसमें आपको मिल जाता है और ऑटोमेटिक क्लाइमेट को कंट्रोल मिलता है। यहाँ दो, एक नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है 12 वाट सॉकेट का और एक यहाँ आपको नॉर्मल USB मिल जाता है। कुछ इस तरह का ग्लव बॉक्स है। यहाँ देखोगे तो आप अंदर को यहाँ आपको वुडन फिनिश मिलती है, उस तरह पावर विंडोज़ वहाँ मिल जाते हैं। आपको गियर नॉब भी आपको अच्छा मिलता है और यहाँ आपको कुछ कप होल्डर और स्पेस मिलता है। ये एक्सेसरी का पार्ट है, इसमें यहाँ आता नहीं है, अलग से लगाया गया है, 1400 रुपये का ये हमें बाहर से लगाया है। सीट बेल्ट, अलार्म, कई वार्निंग इसमें आपको ज़रूर मिल जाती है। और ये जो सीट कवर है ये भी हमने चढ़वाए हुए हैं, ये इसके साथ नहीं आए हैं। और आप देखेंगे पीछे आपको आर्मरेस्ट पीछे जो मिल जाता है, तो हेडरेस्ट पीछे मिल जाते हैं और एयर वेंट भी पीछे आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये जो हेडरेस्ट है इसमें वो भी एडजस्टेबल मिलते हैं। दोनों पैसेंजर और ड्राइवर सीट में 2 एयर बैग आते हैं इसमें। और जो इसकी माइलेज निकालती है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वैसे क्लेम करते हैं हम वो 30-32 का तो निकल जाती है उतनी। और पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ आपको ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। पीछे एक बार आपको स्पेस चेक करा देता हूँ मैं। सारे जो डोर्स अगर आपको एक्सेस करने हैं तो आपको अनलॉक बटन को दो बार प्रेस करना पड़ेगा, और अगर खाली एक बार प्रेस करते हैं अनलॉक बटन तो सिर्फ आगे वाला ड्राइवर का गेट ही लॉक अनलॉक होता है।
यहाँ देखोगे आप तो यहाँ आपको कोई शॉकेट यहाँ नहीं मिलता है, बट ये एयर वेंट आपको मिल जाता है। तो शॉकेट भी दे देते तो बेटर रहता। और ये पीछे आप सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आर्म रेस्ट निकालते हैं, आर्म रेस्ट के साथ भी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है सिटिंग, और अच्छी सिटिंग है, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आप। देखें ये लेग रूम है, काफ़ी है, मेरी हाइट 5'6" है, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो बहुत मेरे लिए तो इनफ से ज़्यादा स्पेस है, मैं इतने में ही कंफर्टेबल हूँ। हालांकि यहाँ हम्प है बीच में, तो और ये भी निकला हुआ है, तो तीसरा पैसेंजर बैठाना बैठ तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इतना कंफर्ट नहीं रहेगा, तीन बैठेंगे तो, और दो में तो प्रॉपर एकदम आपको बढ़िया फीलिंग आएगी कि सोफ़े पे बैठे हुए हो। और जो इसमें स्पीकर भी आते हैं चार, तो जो इसमें कमी है वो है कि आगे लाइट्स जो हैं वो आपको अगर मिल जाती प्रॉपर ZXI+ वाली जो प्रॉपर आती हैं तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट आगे से इसका लुक जो है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और उसके एडिशन में आपको जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और जो पीछे का आर्म रेस्ट और बेसिकली इस तरह की ये एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है, तो ये सब चीज़ें आपको है। पीछे भी हाँ आपको लाइट मिल जाती है। और ये गाड़ी किनको लेनी चाहिए, तो जिनको गाड़ी में फीचर्स भी चाहिए और CNG भी चाहिए, जिनका रन ज़्यादा है, तो वो ये गाड़ी कंसीडर कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका प्राइस 10 से ऊपर ही चल रहा है, तो वो आप देख लेना ना अंडर। और इसमें सिर्फ आप जाओगे तो आपको VXI और ZXI वेरिएंट ही CNG में अवेलेबल है डिज़ायर में। आपको जो नॉर्मल LXI वेरिएंट आता है उसमें CNG नहीं आती इसमें अभी। जबकि ब्रेज़ा में LXI से भी CNG मिल जाती है, तो ब्रेज़ा में इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा रहता है, बट बाकी चीज़ें नहीं मिलती हैं। रनिंग कॉस्ट कम है गाड़ी की और किफ़ायत तो है, अगर पैसे आपने लगाए इस गाड़ी पे और आपको थोड़ा सा सामान भी लेके जाना पड़ता है तो आप लेके जा सकते हैं इसमें, और उस हिसाब से बहुत सही है। पीछे से एक बार इसको लॉक कर देते हैं, तो देखिए इसमें पीछे ये जो दो बल्ब हैं ये LED नहीं हैं, बाकी चार सेंसर ज़रूर इसमें आपको मिल जाते हैं। अब बताइएगा ये गाड़ी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।